तुमच्याबद्दल बरंच ऐकलंय. नाही नाही, माझं कौतुक पुरे. फक्त तुम्ही सगळ्यांनी मात्र एकत्र राहा. मराठी माणसाला मिळालेला जो शाप आहे तो खोटा ठरवा. एकजूट. हिंदी और मराठी इंडस्ट्री के बेहद फेमस एक्टर विक्रम गोखले के निधन की खबर चारों ओर है. हालांकि उनकी बेटी नेहा गोखले ने बताया कि एक्टर की हालत गंभीर है और उनके निधन की खबर महज अफवाह. उनकी पत्नी ने भी कहा कि वो कल दोपहर कोमा में चले गए थे और उसके बाद से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं. डॉक्टर कल सुबह तक तय करेंगे कि क्या करना है. सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है या अभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं. बता दें, तबीयत खराब होने के बाद विक्रम गोखले को पुणे के पंडित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. विक्रम गोखले की पत्नी का कहना है 5 नवंबर को दीनानाथ अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया. वो थोड़ा बेहतर हुए लेकिन फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें दिल और किडनी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है. फिलहाल उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया. आपको बता दें, मराठी मंच से अपनी जर्नी शुरू करने वाले गोखले ने कई हिंदी और मराठी फिल्मों में अपनी पहचान बनाई और साल 2013 में मराठी फिल्म अनुमति के लिए 60वीं राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता. उनकी लंबी और शानदार करियर की हाईलाइट में हिट बॉलीवुड फिल्म हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय के एक सख्त और पारंपरिक पिता की भूमिका थी. इस रोल से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. गोखले ने फिल्म सलीम, लगड़े पे मत रो में सलीम के पिता और 2019 के मिशन मंगल में इसरो के निर्देशक की भूमिका निभाई. 1971 में गोखले की फिल्म परवान में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और दोनों की एक लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती भी रही, जो अग्निपथ 1990, खुदा गवाह 1992 में भी स्क्रीन शेयर करने के दौरान चलती रही. उनकी अन्य प्रमुख फिल्मों में भूल भुलैया, ट्रैफिक, हिचकी, अब तक 56 शामिल है. उनकी मराठी फिल्मों में आमी बोला तो मराठी और आदि भी है. उनकी मराठी फिल्में भी हिट हुई हैं. इसी के साथ उन्होंने फिल्म मराठी आघाट में अभिनय और निर्देशन भी किया था. विक्रम गोखले की हालत के बारे में पता चलने के बाद एक्टर के तमाम फैंस मायूस हो गए हैं. विक्रम गोखले के करीबी और सभी चाहने वाले उनके सेहतमंद होने की दुआएं मांग रहे हैं. हर कोई यही चाहता है कि विक्रम गोखले जल्द से जल्द ठीक हो जाए.